हेलो एवरीवन, दिस इज अकांक्षा एंड वेलकम बैक टू मेटामाइंड्स। आज के इस वीडियो में हम टैली प्राइम के कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड कुछ फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से टैली प्राइम में वर्क कर सकते हैं और आपका टाइम भी बहुत ही ज़्यादा सेव होने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम बात कर लेते हैं टैली प्राइम के कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड फीचर्स के बारे में। जो सबसे पहला फीचर आता है वो आता है हमारा गो टू फीचर। अब गो टू फीचर काम क्या आता है, देखिए, जब आप अपनी कंपनी में कोई एक काम कर रहे होते हैं और आपको साथ ही साथ कोई दूसरा काम करना होता है, तब आप गो टू फीचर का यूज़ करते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे वाउचर्स में काम कर रहे हैं और आपको वाउचर्स में काम करते करते ही सडनली डेबिट चेक करनी है, तो आप यहाँ से सिंपली ऑल्ट जी प्रेस करके बिना एस्केप किए यहाँ पर आपके पास डेबिट का ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने डेबिट चेक कर सकते हैं और जैसे ही आप एस्केप करेंगे तो आप अपने वाउचर वाली स्क्रीन में वापस आ जाएंगे। इससे क्या हुआ, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप ईजिली काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर। अब बात करते हैं हमारे सेकंड फीचर की, जो कि आता है स्विच टू फीचर। अब स्विच टू फीचर होता क्या है, देखिए, जब आप चाहते हो कि आप कोई एक जगह पर काम कर रहे हो और आपको दूसरी स्क्रीन पर स्विच करना है, तब आप स्विच टू फीचर का यूज़ करते हो। जैसे कि आप यहाँ पे वाउचर्स पे काम कर रहे हैं और आप यहाँ से कहीं और, जैसे डे बुक पे आप स्विच रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिंपली कंट्रोल जी प्रेस करके यहाँ पे डे बुक सिलेक्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे डे बुक ओपन हो गई है। अब जैसे ही आप यहाँ पे बैक करेंगे तो आप वाउचर की स्क्रीन में आने की जगह आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने दूसरी स्क्रीन पे स्विच किया था। नेक्स्ट ट्रिक आती है कि आप किस तरह से डायरेक्टली लेजर्स को ऑल्टर कर सकते हैं। देखिए, लेट सपोज़ आप यहाँ पे वाउचर्स में एंट्री पास कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ अब्दुल स्टोर्स को डेबिट, तो मैं चाहती हूँ कि अब्दुल स्टोर्स को मैं यहाँ से डायरेक्टली ऑल्टर करूँ। तो यहाँ से कंट्रोल के साथ जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी ऑल्ट्रेशन की स्क्रीन ओपन हो गई है और आप यहाँ से इसको स्क्रीन में को सेव कर सकते हैं और यहीं की अपना काम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आती है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको डे बुक पे किसी एंट्री को हाइड करना हो, तो आप वो एंट्री किस तरह से हाइड कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक एंट्री है कॉन्ट्रा वाउचर में 17,000 से, तो मैं यहाँ इस एंट्री को हाइड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपली कंट्रोल के साथ आर प्रेस करके इस एंट्री को हाइड कर सकती हूँ, और जब मैं इस एंट्री को अनहाइड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ यू प्रेस करके इस एंट्री को अनहाइड कर सकती हूँ। तो ये थी हमारी हाइड एंड अनहाइड की ट्रिक। अब नेक्स्ट ट्रिक आती है कि आप किस तरह से डे बुक को ऑल सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो आप अपनी डे बुक को ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जितनी भी एंट्रीज थी सारी सिलेक्ट हो गई हैं, और जैसे ही आप दोबारा से कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो ये एंट्री अनसिलेक्ट हो जाएंगी। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्क्रीन के एंड में जाना है लेकिन आप यहाँ से एंटर एंटर दबा दबा के परेशान हो जाते हो, वो काफ़ी इरिटेटिंग प्रोसेस हो जाती है, तो आप यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करके आप स्क्रीन के एंड में ईजिली जा सकते हैं। किसी भी स्क्रीन के एंड में जाने के लिए आप यहाँ से कंट्रोल एंड का यूज़ कर सकते हैं, और वहीं पर अगर आपको उस स्क्रीन के स्टार्टिंग में जाना है तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ होम प्रेस करके उस स्क्रीन के स्टार्टिंग में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। देखिए, यहाँ पे डे बुक ओपन है, डे बुक में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने कौन सी अमाउंट डेबिट की है, कौन सी अमाउंट क्रेडिट किया, कुछ भी एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी डे बुक को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली ऑल्ट F1 प्रेस करके डे बुक को डिटेल में देख सकते हैं। देखिए, अब हमें यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि कौन सी अमाउंट डेबिट है, कौन सी क्रेडिट है और कौन कौन से लेजर डेबिट और क्रेडिट किए गए हैं। नेक्स्ट ट्रिक आती है कि देखिए, यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री पास कर रखी है और अब मुझे एक और एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में पास करनी है और मैं यहाँ पे डे बुक ओपन करके बैठी हूँ, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी एंट्री पास कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपको ऑल्ट के साथ ए प्रेस करना है और आप देख सकते हो कि आपका कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो चुका है। अब नेक्स्ट ट्रिक हमारी आती है कि अब आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में सिर्फ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं, वो सारे ही नहीं दिख रहे हैं और आप चाहते हो कि गेटवे ऑफ टैली में आपके सारे ही फाइनल अकाउंट्स आ जाएं, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से सिंपली F1 प्रेस करके आपको यहाँ पे आ जाना है सेटिंग्स पे।
सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो शो फाइनल अकाउंट्स मेन्यू इन गेटवे ऑफ टैली, इसको आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करके यस करना है और स्क्रीन को सेव कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स में आपके जितने फाइनल अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, जितने भी आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो आपके गेटवे ऑफ टैली पर ही डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट ट्रिक आती है हमारी कि आप किस तरह से टैली प्राइम के अंदर साउंड एंड कलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। साउंड एंड कलर को एडजस्ट करने के लिए आपको सेम F1 प्रेस करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कलर एंड साउंड करके एक ऑप्शन आ रहा है, जिसके अंदर आपके पास आ रहा है इनेबल कलर। आप अगर टेलीप्राइम में कलर रखना चाहते हैं तो आप इसको यस करोगे, और अगर नहीं रखना चाहते तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। देखिए नो करने के बाद सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, यस करने के बाद आपकी कलर थीम आ रही है। और उसके बाद डिस्प्ले मोड आप कैसा रखना चाहते हैं, ब्राइट रखना चाहते हैं, सॉफ्ट रखना चाहते हैं, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है कि आप साउंड को इनेबल रखना चाहते हैं, डिसेबल रखना चाहते हैं। इनेबल रखना चाहते हैं तो यस करें, डिसेबल करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आप कंट्रोल से सेव कर सकते हैं। तो ये थी हमारे टेलीप्राइम की कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब मेटामाइंड्स।